ओम गण गणपति नमः। ओम नमो नारायण। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कामदा एकादशी व्रत कथा की। सुनेंगे कामदा एकादशी व्रत का कथा महात्म्य। कथा को आरंभ करने से पहले आपसे यही कहूंगी, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेट कर लें। तो अब हम आरंभ करते हैं कामदा एकादशी व्रत कथा महात्म्य। अथ कामदा एकादशी महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपको कोटि बार प्रणाम है। आपसे निवेदन करता हूँ, आप कृपा करके चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आप एक पुरानी कथा को सुनिए जिसको राजा दिलीप से वशिष्ठ जी ने कहा था। राजा दिलीप ने पूछा कि गुरुदेव, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसमें किस देवता की पूजा होती है तथा इसकी विधि क्या है, सो सब आप मुझसे कहिए। तब महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह पापों को नष्ट कर देती है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से कुयोनी छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका महात्म्य कहता हूँ, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर में पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। वहाँ अनेकों अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी जगह पर ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित एक सभा में क्रीड़ा कर रहे थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था और उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह पर नहीं थी। इससे वह उसको याद करने के कारण अशुद्ध गाना गाने लगा। नामराज कारकोटक ने राजा पुंडरीक से इसकी चुगली कर दी। इस पर राजा पुंडरीक ने ललित को श्राप दे दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, इससे तू कच्चे मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस होगा। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका 8 योजन का शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगे और अपने कर्म का वह फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। एक दिन वह घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। उसने उस जगह श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम के पास गई और उन ऋषि के सम्मुख जाकर विनय करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो। तब ललिता बोली कि हे मुनि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गया है। आप राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बताइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले कि अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देगी तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देने लगी और भगवान से इस तरह प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, मैंने जो व्रत किया है वह राक्षस योनि से शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से ये पहले की भांति अब अधिक सुंदर हो गई और पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। हे राजन,
इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि के पाप और राक्षस आदि की योनि से छूट जाते हैं। एकादशी कथा व महात्म्य के श्रवण और पठन से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ये तो थी एकादशी व्रत की कथा महात्म्य। कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा कीजिए और सभी भक्तजनों को एकादशी व्रत की शुभकामनाएं।